हेलो एवरीवन, दिस इज द आकाश शर्मा हियर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले जहां हम चर्चा करेंगे म्यूजिक के विषय पर। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के म्यूजिक सिलेबस की। 10th क्लास का म्यूजिक के क्वेश्चंस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 10th क्लास का म्यूजिक का सिलेबस क्या है, उसमें क्या पूछा गया है, म्यूजिक के क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। तो आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ 10th क्लास के म्यूजिक सिलेबस की ओर। आप जानिएगा कि 10th क्लास का म्यूजिक सिलेबस क्या है। तो जैसा कि जो आपका एग्जाम होता है, 10th क्लास का एग्जाम 100 नंबर का आता है, जिसमें प्रैक्टिकल 50 नंबर की होती है, थियोरी का जो पेपर है वो होता है 30 नंबर का, और 20 नंबर की जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो होते हैं। तो मैं यहाँ अभी थियोरी की बात करूँगा, क्योंकि सबसे पहले मैं थियोरी के बारे में समझाऊँगा, प्रैक्टिकल किस हिसाब से प्रैक्टिकल हम देते हैं, क्या कुछ किस लेवल के वो क्वेश्चन आपसे पुट करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो अब हम बात करते हैं 10th के थियोरी सिलेबस की। जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे 2019 और 20 सेशन का है, लेकिन अभी इसको जो अपडेट किया गया है, सेम क्वेश्चन ही अपडेट किए गए हैं, तो मैं आपको 20 एंड 21 का सेशन बता रहा हूँ। इस साल का ये कोई बदलाव नहीं हुआ है, सेम टू सेम जो पिछले साल था इसी साल वही सिलेबस है। तो अब हम बात करेंगे टोटल, इसके अंदर 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो 6 नंबर के हिसाब से 5 क्वेश्चन हमको करने होते हैं, 30 नंबर का हमारा ये पेपर बनेगा। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले यूनिट वाइज बात करेंगे हम। तो सबसे पहले यूनिट 1, जैसा कि आप 1.1 में देख सकते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग्स, जैसे कि आलाप, तान, मींड, कर्ण, खटका, मुरकी, ये सब क्या है, अलंकारिक तत्व हैं। जब हम सिंगिंग करते हैं तो इन तत्वों का प्रयोग होता है, कि जब हम गायन शैली में आलाप क्या है, तान क्या है, मींड क्या है, कर्ण क्या है, खटका क्या है, मुरकी क्या है, ये छोटी छोटी परिभाषाएँ हैं। ये 2-2 नंबर में भी आ सकती है, 2 नंबर में आएगी तो 3 पूछी जाएगी, 3 नंबर में आएगी तो 2 पूछी जाएगी, और ये 6 नंबर में नहीं आती। तो 1.2 में चलते हैं, ये गायन शैली बताई गई है, जो सिंगिंग स्टाइल है ध्रुपद, धमार, तराना, ठुमरी, लोकगीत, ये 5ों सिंगिंग स्टाइल है। तो ये क्वेश्चन हमारा 3-3 नंबर में भी आ सकता है, और बड़े के हिसाब से ये 6 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये हमको बताना है कि गायन शैली क्या है, ध्रुपद गायन शैली क्या है, धमार क्या है, तराना, ठुमरी, लोकगीत, ये सब क्या है, इसमें इसको कैसे गाया जाता है। अब यूनिट 2 में बात करेंगे, इसमें बताया गया है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ तानपुरा, तानपुरों का जो उद्भव है और विकास, जो तानपुरा जो एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी आवाज़ आप शायद इस वीडियो में भी सुन रहे होंगे, और ये इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है, लेकिन जो लकड़ी का तानपुरा होता है उसके बारे में हमें बताना है कि उसका विकास कैसे हुआ, वो कैसे हमारे लाइफ में आया, वो क्या है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। या फिर 2.2 में देखिए, बेसिक नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, स्ट्रक्चर मतलब बनावट, तानपुरे की बनावट और उसको ट्यून कैसे किया जाता है, उनके तारों को कैसे मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन बनेगा, और तानपुरे का सचित्र वर्णन करें, ऐसा भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ये भी 6 नंबर का आता है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, या तो यूनिट वाइज क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आप 10 में से, हर यूनिट में 2 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, हर यूनिट में से 1 के क्वेश्चन उठा करके आपको करना अनिवार्य होगा, या फिर 8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं ओपन, कि इन 8ों में से 5 क्वेश्चन कीजिए। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3.1 में देखिए, इसमें बताया गया कि डिटेल्ड स्टडी ऑफ द फॉलोइंग राग्स, मतलब जितने भी जो भी राग दिए गए हैं उनका परिचय हमको देना है, क्वेश्चन बनता है राग परिचय। तो हर क्लास का अलग सिलेबस होता है, 9th, 10th, 11th, 12th, BA लेवल पे, MA लेवल पे, हर क्लास में अलग अलग राग होते हैं सिलेबस वाइज। तो इस बार जो 10th क्लास में जो राग हमारे हैं, 10th क्लास के राग क्या हैं, भोपाली, खमाज, देश, वृंदावनी, सारंग, ये 4 राग हैं, राग भोपाली, राग खमाज, राग देश और राग वृंदावनी सारंग, इनका हमको परिचय देना है। 3.2 में देखिए, डिस्क्रिप्शन एंड ताल नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग्स, तालाज, विद, ठा, दुगुन, तिगुन एंड चुगुन, ये कह रहा है कि जो हमारे सिलेबस में ताल दी गई है उनकी नोटेशन
और उनका परिचय हमें लिखना है। तो चार ताल हमारे सिलेबस में है, जैसे राग है चार, वैसे ही हमारे चार ताल सिलेबस में टेंथ के में है, तिलवाड़ा, चौताल, सुलताल, रूपक। तो इसके बारे में हमें बताना है, जो तबले पर बजाई जाती है, जो पखावज पर, मृदंग पर बजाई जाती है, शास्त्रीय वादक यंत्रों पर जो बजाई जाती है, वो तालें हमने डिस्कस करनी है। तो तिलवाड़ा में जैसे 16 मात्राएं होती है, चौताल में 12, सुलताल में 10, रूपक में 7। तो इसके बारे में जब हम आगे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। तो ये क्या है, ताल परिचय, ऊपर 3.1 में था राग परिचय, सेकंड और 3.2 है ताल परिचय। तो ये दोनों क्वेश्चन आते ही अनिवार्य हैं और आएंगे ही आएंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4.1 में क्या है, इसमें बताया गया कि जितने भी राग हमारे सिलेबस में है उनकी हमको नोटेशन लिखनी है। नोटेशन मतलब स्वर लिपि, नोटेशन का मतलब होता है लिपि पद्धति, ठीक है। नोटेशन मतलब नोट करना, लिपि का मतलब लिखने का ढंग, ताल नोटेशन मतलब ताल बजी हमने लिख दी ताल नोटेशन, स्वर नोटेशन मतलब स्वर हमने सुने और हमने लिख दिए तो स्वर नोटेशन, ओके। ऐसे वर्ड नोटेशन होते हैं, वर्ड हमने सुने और लिख दिए वर्ड नोटेशन। यहाँ पर हमने राग नोटेशन की बात करनी है, जैसा कि दिया गया है जो भी कंपोजिशन है, बंदिश है, तो इसको राग बंदिश भी कहेंगे हम, और राग नोटेशन भी कहेंगे हम, स्वर नोटेशन भी कहेंगे, स्वर लिपि भी कहेंगे। तो ये क्वेश्चन मोस्टली 99% ऐसा ही होता है कि ये क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन में नहीं रख पाएंगे। और कई बार यूनिट वाइज आता है तो हमको सेलेक्ट करने का भी मौका मिल जाता है। तो 4.2 के अंदर क्या है, इसमें दिया गया है कि कुछ आपको स्वर समूह दिए होंगे, जैसे मान लो सारे गारे गारे साधा सारे सा, ये कौन से स्वर समूह है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे होंगे। ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, जो हमारे दी हुई चार राग हैं, इन चारों रागों में से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, इन्हीं चारों रागों में से आपको कुछ स्वर समूह दिए जाएंगे, उन स्वर समूह को पहचान कर आपको राग बताना है, राग पहचानना है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये भी आपका 6 नंबर का आएगा। यूनिट 5 में चलते हैं, 5.1, इसमें बताया गया कि तानसेन, सदारंग और फयाज खान, ये 3 संगीतकार हैं, और जैसे जैसे हमारी क्लास 9th थी और 11th 12th, हर क्लास में कोई ना कोई जीवन परिचय आपको मिलेगा। ये संगीतकार हैं, इन्होंने हमारे संगीत में क्या योगदान दिया है, इनका रहन सहन, इनकी शिक्षा, और इन्होंने हमारे संगीत में क्या कुछ किया है, तो ये सब हमको इसमें बताना है, जीवन परिचय। तानसेन, मियां तानसेन, सदारंग एंड उस्ताद फयाज खां। 5.2 में चलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओमकरनाथ ठाकुर, के सी डी बृहस्पति एंड एस एन रतन जनकर। इन तीनों ने, ओमकरनाथ ठाकुर, के सी डी बृहस्पति और एस एन रतन जानकर ने कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है हमारे संगीत में। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन बनते हैं। वैसे क्वेश्चन देखो अलग अलग हैं, जैसे आलाप का अलग है एक, लेकिन यूनिट में हमारे ये 1.1, 1.2, फिर 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, हर यूनिट में दो दो आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों ये आपका सिलेबस है, 30 नंबर का आपका पेपर आता है, इतना मुश्किल नहीं है। अब मैं धीरे धीरे आपको ये सब बता दूंगा और आप मेरे इस चैनल पे आप ये सब देख पाएंगे कि किस तरह से हम सिलेबस करवाएंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी को पसंद आया होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा। कुछ भी आपको पूछना हो, किसी भी क्वेश्चन की जानकारी आपको लेनी हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, स्टे म्यूजिक, और मैं हूं आकाश शर्मा आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच।